हनुमान चालीसा पर जो हंगामा हो रहा है उसका मकसद वो नहीं जो दिख रहा है। पर्दे के पीछे की कहानी है महाराष्ट्र में फिर से पांव मजबूती से जमाने की कोशिश। बीजेपी के पक्के साथी शिवसेना ने 2019 में कट्टर दुश्मनों के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई, तभी से उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर है। चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं, उनका विरोध है। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसेना चुप बैठेगी क्या? लड़ाई ना तो हनुमान चालीसा की है न राम भक्ति की, ये जंग महाराष्ट्र की सत्ता की है, जिसके करीब आकर भी बीजेपी दूर रह गई और दूर रहकर भी गद्दी पर चढ़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब बीजेपी हाथ से फिसली सत्ता को दोबारा हथियाने की फिराक में है तो उद्धव किसी भी जतन से सत्ता बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे। सत्ता की इस भीषण जंग में हनुमान चालीसा और रामधुन सिर्फ और सिर्फ हथियार हैं, जिन्हें दोनों पक्ष पूरी ताकत से चला रहे हैं। नवनीत राणा हनुमान चालीसा के हथियार से उद्धव पर हमला बोलने को तैयार थी तो उद्धव ने भी अपने शिव सैनिकों को इशारा दे दिया कि भक्ति के हथियार का जवाब भक्ति से ही दिया जाना चाहिए। उद्धव सरकार एक के बाद एक ऐसे विवादों में फंसती रही है जिससे कि उसकी सालों की बनी बनाई छवि पर सवाल उठने लगे, चाहे वो पालघर में साधु संतों की पीट पीट कर हत्या का मामला हो या अजान और लाउड स्पीकर का विवाद हो या हनुमान चालीसा पाठ। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी उद्धव को हिंदू विरोधी साबित करने पर उतारू है, लेकिन उद्धव अपने कट्टर हिंदुत्व का प्रमाण पत्र अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में ही अर्पित कराते हैं। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसेना चुप बैठेगी क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का। सवाल है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच छिड़े इस सियासी संग्राम में नवनीत राणा कौन सी भूमिका निभा रही है? जवाब ये है कि नवनीत राणा 2019 में अमरावती से निर्दलीय सांसद बनी थी। नवनीत राणा के पति रवि राणा भी निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। 2019 के चुनाव के बाद रवि राणा ने बीजेपी के लिए निर्दलियों और छोटे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। 2019 में ही राणा दंपति ने अमित शाह से मुलाकात की थी। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र का विवादित वसूली कांड लोकसभा में उठाया था। इसके अलावा नवनीत राणा लोकसभा अध्यक्ष से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत की शिकायत भी कर चुकी है। शिवसेना को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि शिवसेना हिंदुत्व को साथ में ले, लेकिन शरद चंद्र जी पवार, कांग्रेस वाले, इनका जो सुडो सेक्युलरिज्म है और सरकार बचाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने जो सुडो सेक्युलरिज्म लिया है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए शिवसेना नवनीत राणा और रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने से मातोश्री पे रोक रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि अगर 5 साल से पहले कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम अगले चुनाव तक उद्धव की छवि हिंदू विरोधी की बना दी जाए और नवनीत राणा बीजेपी का काम आसान कर रही है। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।